इफ यू रिमेंबर दिस राइट दिस चार्ट देन यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरीमेट्री राइट वी नो दैट एनीथिंग इफ यू आर गोइंग टू थ्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी चीज पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो करते हैं दैट इज हम किसी को कुछ भी बोलते हैं किसी को अच्छा लग सकता है बुरा भी लग सकता है तो जो अच्छा लगना बुरा लगना कोई किसी को तो वो तो डिपेंड कर रहा है कि उसमें कोई साधु पुरुष को कुछ बोलोगे कुछ नहीं लगेगा उसे मगर साधारण इंसान को अगर हम कुछ बोलेंगे अच्छा लग रहा है बुरा लगता है या नहीं लगता है कुछ भी बोलने से तो हम किसी से बात कर रहे हैं अगर अच्छा नहीं लग रहा दोबारा वो बात हमसे नहीं करेगा तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थ्रो कर रहे हैं किस पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन को थ्रो कर रहे हैं सैंपल पे तो सैंपल क्या होता है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को छोड़ देता है कोई कोई सीधा जाता है कोई कोई ऐसा स्कैटर्ड होता है राइट यस होता है या नहीं होता है डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिटी ऑफ योर सैंपल एंड द क्यूबेट दैट इज होल्डर ऑफ द सैंपल राइट तो आप भी लाइट पास किए होंगे शीशा के ग्लास में पानी भर के तो आपको भी मालूम होगा घर जाके एक काम करना टॉर्च का लाइट लेना एक कांच का ग्लास लेना पतला हो और एक मोटा हो और एक में पानी भर देना और एक में पानी में दो चार बूंद मिल्क डाल देना और लाइट मार के देखो व्हाट इज द इफेक्ट बेसिकली राइट तो आप खुद ही फील कर सकते हो कुछ लाइट सीधा जाएगा कुछ लाइट टेढ़े जाएंगे जब मिल्क वाला पानी रहेगा तो वो क्या होगा वो ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करेगा इज इट अंडरस्टूड व्हाट आई सेड तो ये होता है हमारा क्या दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यू बी विजिबल स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल ऑलवेज गोज फ्रॉम कोई भी चीज को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मारेंगे इट गोज फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हाउ मच एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब और व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ इन व्हिच मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइट इज नोन एज यू बी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल ओके ये उसका नाउ फॉर द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी द मॉलिक्यूल दोज हु आर एक्साइटेड नाउ दे हैव टू कम टू ग्राउंड स्टेट आप गुस्सा करते हो तो भी आप ठंडा होते हो तो कितना टाइम तक कोई गुस्सा करता है कोई कोई तो एक हफ्ते तक गुस्सा करता है कोई तो तुरंत ही मिल जाता है शांत हो जाता है दोस्ती कर लेता है वैसे ही ये देखो ये तुरंत ही नीचे आ जा रहा है कितना टाइम लगता है 10^-6 टू -10 सेकेंड सो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री क्या एक्साइट किया था एक्साइट से ग्राउंड में आया सिंगलेट ग्राउंड में सिंगलेट एक्साइट टू सिंगलेट ग्राउंड ओके सो ये क्या करेगा एनर्जी एमिट करेगा जब शांत होगा तो दैट एनर्जी वी आर बेसिकली रीडिंग दैट इज द लॉन्गर वेव लेंथ बेसिकली दैट इज द लॉन्गर वेव लेंथ ओके उसी को हम स्टडी एनर्जी हो वेवलेंथ तो कुछ भी बोलो दैट इज स्टडी ओके उसी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस बट क्या होता है कभी कभार कि दैट इट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली इट इज गोइंग बाय ट्रांजिशन स्टेट क्या मान लो किसी का दोस्त नहीं है तो वो क्या अकेले ही शांत हो जाता है किसी का दोस्त होता तो क्या बनाता है उसको तो एक ट्रिपलेट स्टेट आ जाता है उसका वो कॉप आता है ना जब लो टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये सिंगलेट एक्साइट टू ट्रिपलेट स्टेट में आने के लिए कितना लेता है -7 to -8 ओके इतना सेकंड लेता है फिर ट्रिपलेट टू आपका फॉस्फोरेसेंस नीचे आता है बेसिकली इट डिपेंड्स ये वेरीज करता है ओके ये वेरीज करता है आपका फॉस्फोरेंस ये क्या है रिलैक्सेशन दिस इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन देखो ये जैसे आ गया ठीक है कभी कभार कौन देखो हर इंसान का रिलैक्सेशन करने का तरीका अलग अलग है किसी किसी का किया गाली दे दिया चलो इकट्ठे गए सुट्टा मारा जाके बाय और कोई कोई होता है चलो यार गाली दे दिया मूवी देखने चलता हूँ मैं अपना नहीं तो कोई कोई क्या करेगा हाँ कोई के क्या करेगा सीधा जाएगा होते हैं ना भाई कोई कोई अगर गुस्सा करता है तो जाता है टॉयलेट जाएगा हाँ एटीट्यूड दिखा के निकालेगा और डालेगा मुंह पे अरे हिलता रहेगा ऐसा करता रहेगा देखियो वो क्या कर रहा है अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है ना बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया बॉस ने मुझे ऐसा डांट दिया समझ रहे हो वो स्ट्रेस रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है
मगर इससे जो स्ट्रेस तो उसका रिलीज नहीं हो रहा है मगर बुरा हो रहा है, बट ही इज डूइंग दैट थिंग इन दैट स्टेज। और कुछ कुछ क्या करते हैं ना, गाली दे दिया, चलो आज बर्गर खाते हैं, जाएगा बर्गर खाएगा, शांति लगा। कोई दोस्त होगा क्या बोलेगा, चल, वो गुस्सा होता है ना छोटे बच्चे को, जब गुस्सा कर देते हो उसको बोलेगा चल आज तुझे मॉल लेके घुमाता हूँ, तब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, होता है या नहीं? और झूले में बिठा दो और झूला कर दो तो वो खुश हो जाएगा, होता है या नहीं होता है भाई? तो दिज आर व्हाट वे ऑफ एनर्जी रिलीज, समझ में आया? हेलो, दिस इज द वे ऑफ एनर्जी रिलीज। तो वैसे मॉलिक्यूल को जब गुस्सा कर दिया तो ये कभी कभार तुरंत ही शांत हो जाते हैं, कभी कभार मनाना पड़ता है, राइट? ये याद करना, जो मनाना पड़ता है दैट इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस। जो रेडियम होता है घड़ी में लगा रहता है, और तारे चंद लगाते हो ना छोटे टाइम में, याद है? अंधेरा कर दो तो जलता रहता है, देख देख के सो जाते, याद है? तो वो क्या है, फॉस्फोरेसेंस है, थोड़ा टाइम के लिए रहता है, समझे मेरा बात? तो दैट इज फॉस्फोर, तो इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट वी आर स्टडिंग, एमिशन, जो एमिशन हो रहा है उसी को हम स्टडी करते हैं, ओके? तो अभी आई एम नॉट डिस्कस, एंड दिस डायग्राम इज नोन एज जाबोलंस्की डायग्राम, हमने पढ़ा। सो नाउ वी विल डिस्कस बेसिकली, हाँ, इसको अदर नाम क्या होता है बेटा, स्टोक्स फ्लोरेसेंस, अगर वेवलेंथ हमारा ज़्यादा एमिशन होता है, और एमिशन का वेवलेंथ कम होता है तो उसको एंटी स्टोक, और दोनों बराबर होता है तो रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस मीन ओवरलैपिंग, रेजोनेंस मीन ओवरलैपिंग, ठीक है? बस, नाउ द दिस इज द हेडिंग, प्लीज राइट डाउन व्हाट आर द फैक्टर्स, प्लीज नोट इट डाउन वन बाय वन। वन इज योर कंजुगेशन, व्हाट इज देयर, वन इज योर कंजुगेशन। लेट मी सी इफ आई डू हैव ओपन्ड एनी वर्ड फाइल, देन आई कैन ऑल्सो शो यू बेसिकली। क्या बोला मैंने बेटा आपको, फर्स्ट फैक्टर्स, फर्स्ट इज योर कॉन्जुगेशन, ओके, प्लीज राइट इट डाउन। नेक्स्ट व्हाट इज दियर, लेट्स सी, बड़ा चीज है यार, कैसे निकालूं अब, हाँ आ गया, ओके। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूएंट, प्लीज राइट डाउन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्लीज राइट इट डाउन द, पहले आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्लीज राइट इट डाउन। सब्स्टिट्यूएंट कितना तरह का होता है, यू हैव स्टडीड इन द केमिस्ट्री, राइट डाउन द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आया? घर में जब गेस्ट आता है दो तरह का होते हैं, अच्छे और बुरे, वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट भी दो तरह के होते हैं, क्या? कोई कोई तो इलेक्ट्रॉन देगा और कोई कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट इज टू टाइप्स, वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो व्हाट वुड बी द नेचर, यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नीडेड फॉर डबल बॉन्ड, सॉरी व्हाट इज नीडेड फॉर यूवी विजिबल, बेसिकली पाई पाई इंटरेक्शन, राइट? यू हैव स्टडीड नो कि जितना पाई पाई इंटरेक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रीच होंगे, देन इट विल बी गिव यूवी एंड विजिबल, बट अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो क्या होगा, कम होगा, सियोरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन इट विल डिक्रीज द फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन जनरल इंक्रीज द फ्लोरेसेंस। कोई पैसा देगा तो खुश होगे या दुख होगे, कोई अगर चोरी करके लूट लेगा तुम्हें, तुम क्या होगे, खुशी होगे दुख में, तो अच्छा किया तू, हंसोगे क्या? कोई अगर लूट लेगा तो मोबाइल, तो अब तो तुम खाना पीना छोड़ दोगे जब तक पापा दूसरा ना दे दे, हा? तो बात यही है कि कोई अगर एक के साथ तुम्हारा पास रेडमी था, कोई आईफोन दे दिया, कोई आई नोट दे दिया, तो तुम तो हा करके हंसते लगोगे, मुझे कितना सारा मोबाइल बोल के। बात ऐसा है, मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेशन जितना सारा होता होगा वो फ्लोरेसेंस भी अच्छी से देता होगा, राइट? समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको बेसिकली, ओके? तो ये भी समझ गया, कॉन्जुगेशन क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, इनक्रीज, सिंपल। देखो ये टर्म आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में कि कॉन्जुगेशन इज ए फैक्टर्स ऑल्सो फॉर फ्लोरेसेंस एज वेल एज द यूवी विजिबल, राइट? ऐसे ही नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग दे मे ऑल्सो फैक्टर, राइट? लेट्स सी सम अदर्स, व्हाट इज देयर, ये वही चीज लिखा है बेटा, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देन
नेक्स्ट इज योर रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर. प्लीज राइट इट डाउन. व्हाट इज दैट? लेट मी एक्सप्लेन. रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिजिडिटी? पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है बेटा कि आप रिजिडिटी का मतलब क्या समझते हो, बताओ मुझे. दुख. और कौन? और कोई नहीं है. हंसना क्या था? नहीं है, नहीं है रिजिडिटी वही नहीं है. बताओ. यू आर सो रिजिड यार. बोलते हो या नहीं बोलते हो? व्हाट इज? टूट जाता है क्या? रिजिड मतलब कठोर. क्या? सख्त आदमी बोलते हैं ना, रिजिड मैन. हिटलर का जैसा आदमी उसको बोलते हैं रिजिड. मगर कोई मॉलिक्यूल अगर फ्लेक्सिबल हो, देन ही इज वेरी फ्लेक्सिबल. कोई भी एनवायरमेंट में, अच्छे बच्चों के साथ भी रखो तो अच्छा बर्ताव करता है, बूढ़ों की भी साथ रखो भी तो अच्छा बर्ताव करता है. ही इज ए वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन. बोलते हो या नहीं बोलते हो? सो राइट, फास्ट रिमेंबर द टर्म कि मैं अगर ये पढ़ रहा हूँ रिजिड का मतलब क्या है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या बोला है, लेट मी डिस्क्राइब दिस थिंग. ये भाई को कैसे उठाते हैं यार, ये उठा नहीं सक रहा हूं. ये मूवी नहीं हो रहा है यार. साहब म्यूट कर, कहाँ चला गया है? अरे पीडीएफ नहीं खोल सक, दिख रहा है मुझे. यही पीडीएफ है बट इट इज नॉट ओपनिंग. सी दिस टू स्ट्रक्चर यू कैन सी राइट. वन स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड, अनदर इज वेरी फ्लेक्सिबल. What do you mean by flexible? Let me tell you, huh? खोलूंगा ना वो भाग जाएंगे यार. मेले में ये वाला चक्री देखियो, देखियो या नहीं चखियो? हाँ, पकड़ के जब दौड़ते थे छोटा टाइम पे तो कैसा को? अब अगर हम दो ठीक लगा दे तो घूमेगा, घूमेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दिस. हाँ, ये वाला याद आ गया जो दिखाना चाहता हूँ तुम्हें. दिस इज नथिंग बट द सिंगल बॉन्ड. नो, एक बॉन्ड है तो घूमता रहता है. सो हियर ऑल्सो व्हाट ही इज सोइंग. यहाँ सी ये क्या है, इसको बोला है फ्लेक्सीबल. क्यों बोला है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिलता रहेगा. मगर बेंजीन लगा हुआ है भाई, बड़ा भारी चीज लगा. अब मिथाइल लगा होता तो घूमता रहता चक्कर चक्कर करके, राइट? जैसे कि मिथाइल में क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आराम से चक्री घूमता होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लाइक दिस यू कैन सी हियर. भाई खुल जा. हियर दिस ग्रुप, हियर ऑल्सो टू बेंजीन आर देयर, हियर ऑल्सो टू बेंजीन आर देयर, राइट? नो, ओके, यू कैन सी दिस. तो कौन सा ज्यादा मूव करेगा? सेकेंड वन वाला. यू कैन अंडरस्टैंड? तो जो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा वो क्या करते हैं आपका, हाउ इट इज, इट इंक्रीजेस द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. बट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कम करते हैं. जब डिसिप्लिन में आते हो तो काम अच्छा करते हो या नहीं करते हो, तो ये याद रखना. डिसिप्लिन में तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मुझे 5 बजे उठना है, नहाना धोना है, योगा करना है, खाना है, पीना है, 2 घंटा पढ़ाई करना है और फिर जाके कॉलेज आना है. कोई करता है? आज 6 बजे उठा, कभी 9 बजे उठा, कभी 8 बजे उठा, कभी नहाया नहीं नहाया, खाया नहीं खाया, कॉलेज आ गया. समझ मैं क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें? तो डिसिप्लिन जो होता है, रिजिड जो होता है, यहाँ पे ये याद रखना कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बढ़ाता है. ट्राई टू रिमेम्बर दैट वन. ओके, नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, देन हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ. अब बताओ, किसी को अगर हम गर्म कर देंगे क्या करेंगे? हीट. पहले से तो बंदा रिलैक्स होना चाहता है क्या? ग्राउंड टू एक्साइड गया था, वो बंदा रिलैक्स होना चाहता. अगर हम वहां पे उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, देयरफॉर डेविएशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. हमारा फ्लोरेसेंस में हम क्या स्टडी करते हैं, एमिशन स्टडी करते हैं बेसिकली. और तुम वहां पे फिर से उसको गर्म कर रहे हो भाई. हाँ, यस और नो? तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा फ्लोरेसेंस को घटाएगा. ओके, ट्राई टू रिमेम्बर दिस वे. ओके,
सो मॉलिक्यूल में ज्यादा कोलिजन होगा. ओके, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू डिक्रीज इन कोलिजन, इंक्रीज इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. ओके, इज इट क्लियर? एफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देन पॉइंट इज विस्कोसिटी. प्लीज राइट इट डाउन. अब बताओ विस्कोसिटी क्या हो सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विस्कोसिटी? पहले समझो टेम्परेचर मतलब क्या, गर्मी. अरे यार तुम एक बात बताओ, समझो तुमको कोई बहुत गुस्सा कर दिया, क्या गुस्सा कर दिया, और वहां पे टेम्परेचर बाहर का 50 डिग्री है, कैसा लगेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसे प्रैक्टिकली ट्राई करो कि फ्लोरेसेंस में क्या होता है ना, हम मॉलिक्यूल को गुस्सा कर दिए, बेचारा को रिलैक्स करने का वेट किए, और उस मॉलिक्यूल को लेके तुम गर्मी में डाल दिया, समझ रहे हो ना? उसको एसी रूम में बिठाओ भाई, तब तो आसान. कोई अगर ज़्यादा गुस्सा करे उसको चिल्ड रूम में लेके बैठो, उसको एक गिलास पानी पिलाओ, देखना थोड़ा शांत हो जाएगा. बोलते हैं ना कोई गुस्सा करे तो पानी पिलाओ, आग लगाए अंदर में, पानी देके बुझा रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये एक तरीका है बेसिकली, ट्राई टू रिमेंबर दैट वन. ओके ओके, ये हो गया. विस्कोसिटी क्या करेगा बेटा? देखो, इंक्रीज इन विस्कोसिटी लीड टू डिक्रीज इन कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल एंड लीड्स टू एनहांसमेंट्स ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी. कोई चीज घना है, क्या है घना? विस्कोसिटी मतलब क्या? देखो, पानी और पेट्रोल में से कौन ज्यादा घना है? अरे उल्लू तैरता कौन है? पानी का ऊपर अगर पेट्रोल बैठता है तो गिर जाता है अंदर, या पानी का अंदर मोबिल डाल दो, क्या डाल दो? मोबिल डाल दो, और नीचे गिर जाएगा या ऊपर तैरता रहेगा? हाँ, अभी कभी डाला नहीं है क्या? सरप्राइजिंग होके देख रहे हो? हाँ, मोबिल देखो, इंजन ऑयल सबसे भारी होता है ना, उसमें चिकनाहट होता है ना, यस और नो, होता है या नहीं होता है? गाड़ी तो चलाते हो, इतना तो दिमाग लगाओ भाई. जब पानी में अगर कोई भी मोबिल डाल दोगे तो क्या हो, तैरेगा या डूबेगा? हाँ, तैरेगा बोलता है यार, ये तो गाड़ी भी नहीं चलाती है, छोड़ो यार. कभी किया नहीं, कैसे बच्चे हो यार, कुछ भी नहीं किए हो यार तुम. अरे यार मन नहीं करता है क्या तुमको ये छोड़ो? हमारा टाइम पे तो कितना कुरापाती किया यार. सुनो, तुमको तो सिर्फ खाना और मोबाइल दे दो, बस हो गया ना, और कुछ नहीं चाहिए था. घर में बंधे हो तुम लगता है. देखो ये सब चीज ना बेसिकली टेलिंग यू कि स्कूल लेवल जो होता है ना, स्कूल लेवल में सही ढंग से टीचिंग देना चाहिए, मानो ना मानो. सही, ये प्रैक्टिकल है ना. कोई बच्चों को अगर तुम पढ़ा रहे हो घनत्व का मतलब क्या है, डेंसिटी का, अगर ये नहीं दिखाओगे तो बच्चा क्या समझेगा? कभी जिंदगी में समझ सकेगा? नहीं समझ सकेगा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी? समझ में आया? तो देखो, आप जो मोबिल डाल रहे हो पानी में वो डूब जाएगा, मगर तेल देखे हो ना, पानी में पेट्रोल डाल दो तो वो ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है ना, यस और नो? तो पानी सबसे डेंसर है कंपेयर टू द पेट्रोल, बट कंपेयर टू द मोबिल ज्यादा डेंसर है. समझ में आया? तो ये याद रखना, भाई डेंसिटी नहीं मालूम तो तुम क्या लिखोगे? विस्कोसिटी मतलब क्या? घनत्व, कौन ज्यादा भारी है. समझ में आया ना? मतलब भारी है बोल के तो मॉलिक्यूल सब नजदीक में होंगे, यस और नो? नजदीक में होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का ज्यादा इंटरेक्शन होगा. ज्यादा जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे तुम्हारा रिलैक्सेशन भी अच्छा होगा. समझ में? तुम सचो, तुम्हारा अगर ज्यादा दोस्त होंगे तो तुमको अगर गुस्सा होगा तो तुम शांत हो सकोगे, या अकेले होगे तो शांत होगे? कि ज्यादा दोस्त होंगे तो कोई ना कोई तो तुम्हें इतना से कोई तो अच्छा होगा, तुम्हें हंसा ही लेगा. समझ में आया ना? वैसे ही जब मॉलिक्यूल आपस में क्लोज रहेंगे ना, हाँ, तब क्या हो जाएगा, दोस्ती ज्यादा है ना तो वो रिलैक्सेशन अच्छा करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, मगर आप यहाँ पे टेम्परेचर डाल दो उसी सॉल्यूशन में तो क्या होगा, गर्म के मेल्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा? अगर कोई चीज ज्यादा, अब देखो यार, अब सही सा बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो चीनी का पानी जब बनाते हो, जब थिकनेस आ जाता है एक टाइम पे, अगर हम उसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात यही बोल रहा हूँ कि जब घना था, ठंड में था, टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा,
मेल्ट हो जाएगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी घट हो जाएगा भाई। ये फंडा दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत होगा। ये कॉमन सेंस है भाई, हाँ या ना? ओके, तो ये याद रखना है। वैसे ही ऑक्सीजन, आप जानते हो कि सिंगलेट एक्साइटेड ट्रांजिशन टू कहां पे ट्रिपलेट स्टेज आने के लिए आपको कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? एब्सेंस। देखो कोई मॉलिक्यूल अगर फ्लोरोसेंस है, आप अगर उसको क्या कर दोगे ना, ऑक्सीजन दे दोगे, तो देयर इज अ चांस ऑफ ऑक्सीडेशन, आया ना? ऑक्सीडेशन अगर होता है ना, कभी कभार मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंस घटा देते हैं, क्विंच हो जाता है, ठीक है? तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मोस्टली इंक्रीज, ट्राई टू रिमेंबर दिस वन। हाँ देखो, इट ऑक्सीडाइज, दो तरह से वो खराब कर देता है ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीडाइज कर देता है, फ्लोरोसेंट टू नॉन फ्लोरोसेंट कर देता है। देखो ये टर्म याद रखना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्विंचिंग? क्या क्विंचिंग मीन डिक्रीज द फ्लोरेसेंस, क्या बेटा? फ्लोरेसेंस को अगर घटाएंगे, साइंटिफिक टर्म में उसको बोलते हैं क्विंचिंग। प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज ऑफ द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉल। तो यहां पे तुम्हें फिर मुझे पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का टाइप्स बताना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ओके? एज इट हैज ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट, ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट में पारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल है, ओके? ये आई विल नॉट डिस्कस हियर, मैं तो खत्म नहीं कर सकूंगा। आप इतना समझ गए बेटा, यस और नो? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होने से क्या होता है, इतना काफी है, ओके? दो तरह के करता है, क्विंचिंग एंड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ पीएच, राइट डाउन। यू ऑल्सो नो समटाइम्स, देखो पीएच क्या करता है मॉलिक्यूल को, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच? यू हैव स्टडीड इन फोर्थ सेमिस्टर, रिमेंबर 402T, जब राजीव सर पढ़ा रहे थे, हाँ? व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग परमिएबिलिटी, ड्रग स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन क्या होता है, पीएच का रोल क्या होता है, हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है, ओके? तब ये पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ पीएच। देखो कोई मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं बेटा, आप समझो कि एक मॉलिक्यूल है जिसके पास CuH भी है और क्या है ना, हमारा NH2 भी है, क्या है? मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा है यार, लिख नहीं सक रहा हूं, NH2 भी है, समझ लो, समझ में आ रहा है? दिस इज अमीनो एसिड, राइट? नाउ यू टेल मी इफ आई विल एड H+ टू दिस सॉल्यूशन। H+ मीन क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा हूं, एसिडिक कर रहा हूं, एसिडिक कर रहा हूं, मतलब क्या, मैं H+ प्रोवाइड कर रहा हूं उसको, तो ये क्या होगा? पहले तो मॉलिक्यूल जब पानी में डालते हैं, यू नो दैट कि ये अमीनो एसिड है, तो इट विल फॉर्म ए ज्यूटर आयन माइनस एंड इट विल फॉर्म प्लस, इतना तो समझ में आ गया, हाँ? तो ये क्या NH3, ये NH2 NH3 प्लस हो जाएगा, ये CO माइनस हो जाएगा, हाँ ना? नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं यहां पे भाग गया COO। बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी कोई अमीनो एसिड्स को, कोई भी मॉलिक्यूल को डालोगे, ओके? मैं एग्जांपल लिया अमीनो एसिड को, जब पानी में डालता हूं, सो इट एग्जिस्ट इन कौन सा फॉर्म, ज्यूटर आयन। व्हाट इज ज्यूटर आयन? प्लस एंड माइनस, जिसके पास दोनों चार्ज हो उसको बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, प्लस एंड माइनस। नाउ यू जस्ट टेल मी, मैं अगर H+ डालूंगा तो कहां जाएगा ये, माइनस पे जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एच बनेगा, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, एसिडिक बन गया, समझ में आ रहा है? तो वहां पे सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, लिटमस बिकम्स रेड, पहले एच देने के बाद एक्सेस अगर रहा तो लिटमस बिकम रेड, तब यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, समझ में? तो इसमें भी पीएच एसिडिक में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना, सपोज भाग जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा मुझे ऐसा एक एक, हाँ ना, सपोज ये NH3+ है एंड ये CO- है, क्या है बेटा, NH3+ CO, नाउ आई विल गिव OH-, क्या दूंगा बेटा, OH-, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेस डाल रहा हूं तो ये कहां जाएगा, OH-, यहां आएगा या यहां जाएगा, यहां पे क्या है, NH3+
तो यहां से एक प्रोटॉन क्या करेगा, ये खींच लेगा और ये बन जाएगा NH2, सॉल्यूशन बिकम एनायोनिक। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी का भी इफेक्ट करेगा। आप जानते हो, देखो जब खाना खाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई दवाई जब ले रहे हैं स्टोमाक में गिर रहा है तो स्टोमाक का पीएच क्या, एसिडिक है। अब खाना क्या होगा, एसिडिक डाला था, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। समझ में आया क्या, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका भी रोल है। अब कहीं पे क्या होता है, अगर बेसिक मतलब कहाँ चला जा रहा है, इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जब जा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, ड्रग बिकम्स क्या हो रहा है भाई, माइनस। ड्रग में क्या है, माइनस हो रहा है। अब माइनस का रोल होगा, ये प्रैक्टिकली समझो, नहीं समझोगे जिंदगी में पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। यू विल जस्ट गेट ए डिग्री, दैट इज ए नॉनसेंस थिंग। कहीं पे जाओगे पूछेगा कुछ ना बताओगे, डब में डालोगे, बोलेगे पढ़ के क्या कर लिया यार। ये नॉलेज होना जरूरी है, तब दिमाग खटकेगा। समझ में आया जो बोल रहा हूँ, इसको सोचना कि मैं पढ़ा तो क्या सीखा। जैसे ये पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा दिमाग में डालना कि इसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकेंगे हम। ओके, ये अगर सीखोगे तो बहुत आगे जाओगे। ये ऐसा तुम जितना सारा पढ़े हो ऐसा फालतू चीज़ नहीं है ये सब्जेक्ट जान लेना, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ही। मान लो कोई चीज़ तुम्हें खिला दिया, तुमको अभी कैमरा में डालूंगा दिख जाएगा कहाँ गया। तुम्हें अगर कैंसर है, अगर खिला दिया ऐसा मॉलिक्यूल, हाँ चूहों को भी देखोगे। रुको दिखाता हूँ, एप्लीकेशन एक दिखा रहा हूँ। देख रहे हो, ये चूहा का देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जल रहा है। चूहा का रैट में डाला गया था, चूहा का स्टडी करते हैं कि ट्यूमर में जाके बाइंड कर रहा है ना। वैसे एक इंसान को कैंसर है, एक दवाई खिलाएंगे और उस कैमरा में बिठा देंगे, कैंसर होगा तो जाके दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये प्री क्लिनिकल स्टडी हो रहा है, देखो ये। समझ में आया, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि कोई दवाई खिलाते हैं तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम ट्रैक कर सकेंगे। जमीन में भी तुम ऐसा केमिकल डाल दो, तुमको अगर जानते हो, कॉमन नॉलेज है ना, साइंटिस्ट लोग तो यही करते हैं कि ये केमिकल है तो मैं अगर ऐसा रिएजेंट, जैसे आयरन है, क्या आयरन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड देके चिलेट बनाते हो, वैसे ही फंडा लगाएंगे कैसे करके हम कलर कर दे तो जान लेंगे कि वहां पे आयरन ज्यादा है या क्या है। समझे ना, वो दिमाग चलना। और पढ़ लिया क्या करोगे, डिग्री लोगे, एक पेपर कमाओगे, मैं B2B फार्म हूं और कुछ नहीं। समझ में, ये सोचना कि जो पढ़ रहा हूँ वहां पे ये चीज तुम्हारा वो बीटेक वाला ना सीखेगा, ये ठीक तुम्हें सीखना है भाई। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एक BSc स्टूडेंट भी नहीं सीखेगा ये ध्यान पे रखना है। आप जितना सीख रहे हो और कोई दूसरा आदमी नहीं सीखता होगा, BFarm बच्चे। तुम मेडिसिन सीख रहे हो, इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत जानते हो, सब कुछ पढ़ते हो। यस, तो देखो नाउ वन एग्जाम्पल इज देयर, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, पीएच क्या करता है, इट डिपेंड्स वेदर द मॉलिक्यूल विल आयोनाइज और अनआयोनाइज। ओके, दैट विल, इट विल डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द, सपोज एन एग्जाम्पल इज एनिलीन। एनिलीन इन न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम गिव्स विजिबल फ्लोरेसेंस। क्या देता है, विजिबल फ्लोरेसेंस। विजिबल फ्लोरेसेंस मीन इट इज लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। बट इन एसिडिक कंडीशन इट गिव्स फ्लोरेसेंस इन यूवी रीजन। तो इट इज एंटी स्ट्रोक हो रहा है, यस और नो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी स्ट्रोक। इन न्यूट्रल एंड अल्कलाइन इट गिव्स द स्ट्रोक फ्लोरेसेंस, बट इन एसिडिक इट गिव्स द एंटी स्ट्रोक फ्लोरेसेंस। ओके, ये लिख लो एक लाइन भाई, तुम्हारा किताब में भी नहीं दिया स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने तुमको स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक का, राइट। सिमिलरली फिनॉल इन एसिडिक कंडीशन आर अनडिसोसिएटेड। फिनॉल को अगर एसिड में देंगे तो डिसोसिएट नहीं करेगा एंड डू नॉट गिव फ्लोरेसेंस, बट इन अल्कलाइन कंडीशन दे आर डिसोसिएट एंड गिव गुड फ्लोरेसेंस। समझ में आया, फिनॉल को मान लो क्या लिया मैंने बेटा, बताओ यार, तुम बताना यार, क्या था ये, फिनॉल था OH। अब बताओ मैं इसको अगर H+ डालूंगा, क्या डालूंगा, एसिड दूंगा, ये कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा, हाँ कहां जाएगा, क्या करेगा, हाँ ये प्लस है, कहां जाएगा,
ये जान लेना इसका जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में आता है, इसके साथ इसका भी अवेलेबिलिटी कम रहता है, जाएगा जाएगा ये ओ के पास लटकेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। मगर हम अगर ओ एच माइनस डालेंगे अब बताओ क्या करेगा? अब बताओ हम ओ एच एच प्लस डाला ओ एच माइनस डाला, देखो स्ट्रक्चर को समझो आप, लाइन तो पढ़ लिया, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, समझे? जब ये देखो डाला तो कुछ नहीं, यहाँ पे एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एच जाके लग जाएगा और कुछ ना होगा, समझ में आएगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये लगेगा भी, नहीं भी लग सकता है, मगर जब ओ एच माइनस हम डालेंगे तो क्या करेगा? ये एच को खा लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बेस डालेंगे तो एच को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये तो और स्ट्रांग रेजोनेंस हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आया? और ये प्लस हो जाएगा, तब ये क्या बन जा रहा है आपका एक तरह का भाई, हाँ यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल बन जाता है, क्विनोन, क्या बन जाएगा? क्विनोन बन जाता है, क्विनोन जो कि फ्लोरेसेंट बन जाता है, समझ में आया? तो देखना कि फिनॉल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्विनोन बनता है, डबल वन दो तरह से क्या बन जाता है, और उसके भी पास प्रॉपर्टीज होता है थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंस का, ऐसा करके बन जाता है ना, पढ़े थे ना, फिनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स क्विनोन, अगर पढ़े होंगे तो भाई याद होगा, मैंने तो पढ़ाया था, मुझे याद है, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ कम्स योर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। सी यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन समटाइम्स लीड टू फोटोकेमिकल रिएक्शन, फ्लोरेसेंस कैन नॉट बी सीन, हेंस वेवलेंथ व्हिच इज नॉट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब शुड बी चूजन टू अवॉइड रिएक्शन अदरवाइज। हाँ देखो बेटा, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मीन बेटा बोलने का है कि यू मस्ट नो द लैम्ब्डा मैक्स ऑफ ए कॉम्पाउंड। आप किसी को अगर फ्लोरेसेंट करवाना चाहते हो, ये मॉलिक्यूल को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको पहले उसका गुस्सा करवाना जानना चाहिए कि ग्राउंड टू एक्साइड में कितना वेवलेंथ में करता है, दैट लैम्ब्डा मैक्स इज टू बी प्रॉपर। आप अगर सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट एनफ टू एक्साइड द मॉलिक्यूल, तो आपका क्या होगा? फ्लोरेसेंस नहीं दिखा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फ्लोरेसेंस कहाँ से आएगा, समझ में आया? यही चीज बोल रहा है कि ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन हो जाता है। देन हाँ यार, मैंने कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया क्या? लिखो, एंड वन मोर थिंग बेटा, कि मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करेंगे, इफ वी विल कीप फोटोकेमिकल डीकम्पोज, मतलब लाइट में रख देंगे, क्या करेंगे? लाइट में रख देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मीन वी मस्टर्ड कीप द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल आउटसाइड ओपनली। तो क्या होगा, लाइट का वजह से वो बार बार उसको एक्साइट करता रह सकता है, यस और नो? इफ दैट वुड बी द लैम्ब्डा मैक्स ऑफ द कॉम्पाउंड यूवी में भी, तो करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, वी डोंट नो। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हो तो देखना कि उसको ब्राउन डब्बे में आता है, नहीं तो एल्यूमिनियम फॉयल लपेट के आता है। ओके, समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ, बस देख सकते हो यार, ब्राउन क्या बोलते हैं यार, ब्राउन बोतल, मतलब क्या? अंबर कलर बोतल, ये ऐसा कलर का होता है, देखो हाँ भाई, ऐसा कलर का होता है ना, कोई कोई सॉल्यूशन ऐसा क्यों किया, वाइड में क्यों ना किया, हाँ पानी वाला बोतल जैसा, लाइट सेंसिटिव, ओके, तो ऐसे ही होते हैं, हाँ बेसिकली ये वाला तो वाइट होता है, ऐसा क्यों, लाइट उसमें पास ना करेगा, ओके, ये भी तो ग्लास है मगर उसको कलर कर दिया गया, समझ में आया क्या बोला मैंने, लाइट से बचने के लिए। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज राइट इट डाउन, कॉन्सेंट्रेशन, effect of concentration on fluorescence intensity. देखो ये लिख लो, एक मिनट में भी एनलिस्ट कर देता हूं। क्या फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सन, बट इट इज ट्रू अप टू बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ,
बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ इसमें भी लागू होता है भाई, कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अप टू सर्टेन मार्क, जो कितना एमजी पर एमएल का सॉल्यूशन होता है या माइक्रोग्राम और नैनोग्राम पर एमएल, ओके आई विल शो यू दैट वन, ओके। बट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इट डज नॉट ओबे द लिनियरिटी, जब तक लिनियरिटी ओबे करता है तब तक इट इज गुड, ओके। टिल दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। तो ये याद रखना है आपको बेसिकली। अब देखो हाउ टू कैलकुलेट द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी, दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन में पूछता है आपका कॉम्पिटेटिव में, फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को आप कैसे निकाल सकते हो। फ्लोरेसेंस क्वांटा एमिटेड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटा एब्जॉर्ब, मतलब कितना हमने मारा था उसे, ओके, और कितना निकला एनर्जी उससे। तो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी क्या होता है, फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी इनटू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, ये थोड़ा सा याद रखना। कोई कोई बुक है वहां पे प्रॉब्लम दिया है, ट्राई टू सी इट, जब पढ़ोगे ना आप देख सकते हो। समझ में आया? देखो एमिशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, क्या बेटा एमिशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, प्लीज ट्राई टू देखो ये फॉर्मूला याद रख लो, एफ इज इक्वल टू क्यू आई जीरो ए सी टी, प्लीज राइट इट डाउन, ये तुम्हारा कॉम्पिटेटिव के लिए, मैं ये इससे मुझे इंपोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है आपको बेसिकली, राइट ये याद रखो। ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर सब्सटेंस और सिस्टम, हर फ्लोरेसेंस का मॉलिक्यूल का एक क्वांटम यील्ड होता है, क्या होता है क्वांटम, कि ये कितना देता है एनर्जी भाई, जो एनर्जी रिलीज करता है रिलैक्स होते टाइम, एनर्जी तो रिलीज करता है, हाँ या ना। देखो कोई मॉलिक्यूल, कोई आदमी जब गुस्सा होता है, नॉर्मली आपका जैसे सांस चलता है, गुस्सा होता है तो सांस क्या होता है चेंज हो जाता है, जब रिलैक्स करते हो तब भी सांस चेंज होता है या नहीं, हाँ या ना। वही बोल रहा है कि मॉलिक्यूल को जब हम एक्साइट कर दे रहे हैं, एक्साइट से जब ग्राउंड करेगा वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके, तो वो कितना करता है बेसिकली, उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है हर फ्लोरेसेंट कंपाउंड का, अंडरस्टैंड, ओके। यही वैल्यू है क्यू बोलते हैं यहाँ पे, आई जीरो ए सी टी, ये लिख लो। कॉन्स्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट का भी एक आई जीरो होता है, और ये तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट है, आपको मालूम है टी इज पाथ लेंथ एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, कभी भी कोई पूछे तो आप बेसिकली ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा ये डेरिवेटिव तो वही है जो आपने किया था, इतना मैथमेटिक्स मुझे नहीं आता है, ओके। सो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन, हाउ द लैम्ब्डा मैक्स एंड एब्जॉर्बेंस आपने लिया था कहाँ पे, यूबी विजिबल में, सेम चीज यू आर प्लॉटिंग, राइट, इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यही और कुछ नहीं है। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन वी कैन सी डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, ये देखो यहां तक तो ठीक था ये लिनियर, तो इसको अब क्या हो रहा है सेल्फ क्विंचिंग, क्या बोला जाता है सेल्फ क्विंचिंग। सेल्फ क्विंचिंग मतलब क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाना, ओके। देखो दिस इज बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन बिफोर फॉलिंग ऑन डिटेक्टर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड बाय एडजेसेंट मॉलिक्यूल व्हिच लीड्स टू इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ रेडिएशन और एनर्जी हैज डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी ऑब्जर्व इन दिस क्विंचिंग टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेम सब्सटेंस शो आइडेंटिकल फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ये पढ़ लेना आप समझ जाओगे, ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टिल ए लिमिट, ओके, कि जब तक लिनियरिटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन दैट इज ओके और एल्स इट विल बैंड। हाँ, क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स, तो बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ओके।
ठीक है ना, क्विंचिंग कितना तरह के होते हैं, व्हाट इज सेल्फ क्विंचिंग, व्हाट इज केमिकल क्विंचिंग, स्टैटिक एंड कोलिजन क्विंचिंग। क्विंचिंग मतलब क्या, इंटेंसिटी बढ़ना और घटना भाई, डिक्रीज, क्विंच कर दिया मतलब घटा दिया, ओके ये याद करना है। नेक्स्ट क्लास वी स्टडी टाइप्स ऑफ क्विंचिंग।